आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अहमद शाह अब्दाली पे। हाल ही में एक मूवी आई है पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द हिस्टोरिक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे वो मूवी बेस्ड है। उसमें अर्जुन कपूर सदाशिव राव का रोल कर रहे हैं और संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली का रोल कर रहे हैं। आशुतोष गोवारीकर का डायरेक्शन है। तो मैंने सोचा कि आपको अहमद शाह अब्दाली के बारे में बताऊँ, कौन था अहमद शाह अब्दाली। आमतौर पर इसको बहुत ही विलन तरीके से, बहुत ही क्रूर शासक के तरीके से इसको पेश किया जाता है। तो क्या वाकई में एक बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था? मॉडर्न डे अफगानिस्तान जो आप देख रहे हैं, आज का अफगानिस्तान जो आप देख रहे हैं, फादर ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली को बोला जाता है। वहाँ पे ये बाबाए अफगान के नाम से मशहूर है। इंग्लिश स्कॉलर्स तो ये तक मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रोफेसर था, इसने काफ़ी सारी कविताएँ लिखी। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हैं, इसको बड़ा ही विनम्र बोला जाता है, बड़ा ही एक दयावान शासक बोला जाता है। बड़े टाइटल्स इसको दिए जाते हैं, राजाओं का राजा, मोतियों में मोती, सबसे सर्वश्रेष्ठ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसके भी हाथ खून से रंगे हैं, बहुत कत्लेआम किए इसने। अब ये होता ही है कि अगर आप कोई भी देश को जीतेंगे या किसी को हराएंगे तो वहाँ कत्लेआम होना ही होना है। तो अहमद शाह अब्दाली ने, जैसा कि आपको पता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुई थी 1761, 14 जनवरी 1761, मकर संक्रांति का दिन था, सूरज सीधा मराठाओं के मुंह पे था, ये बहुत बड़ी हार का कारण बना। मुश्किल हुई युद्ध लड़ने में, दोपहर तक वो लगभग युद्ध जीत गए थे, लेकिन दोपहर के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि भारत के बहुत सारे युद्धों में हुआ, पूरी की पूरी बाजी पलट गई। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने वो कत्लेआम मचाया कि क्या बताएं। तो आज हम अहमद शाह अब्दाली पे बात करेंगे, इसका पूरा रूल के इसके पूरे रूल के बारे में बात करेंगे। मेरा एक लेक्चर है दोस्तों नादिर शाह पे, ठीक है? नादिर शाह पे आप जरूर लेक्चर देखिएगा, उनकी बायोग्राफी मैंने पूरी, उसकी बायोग्राफी रिव्यू की है। 1739 में उसने भी भारत को इन्वेड किया था, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड ले गया था, सब कुछ ले गया था, इनफैक्ट जो भी कुछ भी नहीं छोड़ा था, यहाँ पे मुगल अपने कदमों पे आ गए थे। तो उसकी बायोग्राफी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसकी बायोग्राफी के बाद अहमद शाह अब्दाली की बायोग्राफी या इसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि चल क्या रहा था उस समय सेंट्रल एशिया में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिर_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको पता ही है दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आ गई है, 300 कुछ वॉन्ट्स है। आप जरूर हमारी टेस्ट सीरीज को खरीदिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यू हैव टू पे ओनली ₹1500। testiq.in पे आप विजिट करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अहमद शाह दुर्रानी या फिर अहमद शाह अब्दाल, ये तीनों एक ही है। अहमद खान इसका जो बचपन का नाम था वो था अहमद खान। इसका जन्म जो था वो 1722 में हुआ था, हेरात में या मुल्तान में, हिस्टोरियन डिवाइड है, ठीक है? हालांकि ज्यादातर लोग बोलते हैं हेरात में ही इसका जन्म हुआ था, ठीक है? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुल्तान में जन्म हुआ था, लेकिन यह तो है कि एशिया में जन्मा, 1722 में यह जन्मा था। अब यहां पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पानीपत का जब ट्रेलर देखा उसमें कुछ गलतियां हैं। अगर आप देखें पानीपत का जब ट्रेलर आया तो उसमें अहमद शाह अब्दाली का जो रोल है वो संजय दत्त प्ले कर रहे हैं। संजय दत्त की उम्र कितनी है? 60 साल। काफी बूढ़ा दिखाया गया अहमद शाह अब्दाली को, चेहरे पे निशान है काफी। लेकिन अगर आप ओरिजिनल में देखें तो उस समय जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तो अहमद शाह खाली 38 साल का था, यानी कि वो जवान था। तो जिस तरीके से पिक्चर में उसको एक बूढ़ा दिखाया गया है वैसा नहीं था, वो उस समय जवान था और अपने उस समय सबसे जो कहते हैं ना उसका पीक पॉइंट था वो चल रहा था, ठीक है? तो इनके पिताजी जमान खान, ठीक है, और इनकी जो माता जी थी वो थी जरगुना बेगम। आपको बता दूं कि इनके पिताजी जो थे, ठीक है, वो साडोजाई ट्राइब से थे और इनकी मदर जो थी वो अलाकोजाई ट्राइब से थी। अहमद शाह अब्दाली जो है या अहमद शाह दुर्रानी जो है, दुर्रानी एम्पायर याद रखिएगा 1747 से लेकर 80 साल तक ये चला, ज्यादा चल भी नहीं पाया, 1826 तक ही चला, ये इतने साल तक ये चला था, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अफगानिस्तान के समय जन्म हो गया था, इसीलिए इसको बाबा अफगान भी इनको बोला जाता है। इनकी जो कबर है और मतलब अब तो वहां पे पूरी मजार बाकायदा खुल गई है और वहां पे बहुत सारे लोग मतलब जाते हैं वहां पे और काफी ज्यादा वहां पे इबादत करते हैं, तो कमाल की बात है। तो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान है उनका उसका स्थापक इसको बोला जाता है, अहमद शाह दुर्रानी को। तो 1747 में ये जो दुर्रानी एम्पायर है वो शुरू हो गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अफगानिस्तान को आप देखें तो वहाँ पे पहले बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे कबीले थे, और ये जो कबीले हैं ये बेसिकली क्या है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, अलग अलग कबीले थे और ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। कोई अफगानिस्तान जैसा आज आप देख रहे हैं वैसा कोई देश नहीं था, ये कबीलों में डिवाइड था, ठीक है? तो इन्हीं में से एक कबीले के हेड थे इसके पिताजी,
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इधर नादिर शाह का खतरा मंडरा रहा था। नादिर शाह जो आपका अफगानिस्तान है उसने पूरा कंट्रोल कर लिया था। नादिर शाह पर्शिया, पर्शिया का राजा था, वो भी बड़ा ब्रूटल था। तो नादिर शाह ने पूरा कंट्रोल करना शुरू किया और उसके बाद कांधार हो गया, हैरत हो गया, फिर और भी बहुत सारी जो सिटीज हैं ठीक है उस पर कब्जा शुरू किया नादिर शाह ने। कोई कुछ कर नहीं पाया, बहुत तगड़ी आर्मी थी नादिर शाह की। देखते ही देखते सामने से पूरा अफगानिस्तान लेके उड़ गया वो और कोई कुछ कर नहीं पाया। अब 1722 से लेकर ये मतलब 1729 से लेकर 1740 तक ये पूरा का पूरा नादिर शाह का एकदम कि हर चीज जीत लो ये पूरा कैंपेन चलता है। और यहाँ पे जो ट्राइब्स है वो नादिर शाह और आपस में भी लड़ी मतलब भिड़ी हुई है ठीक है। यहाँ पे ही हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का उदय होता है। अहमद शाह अब्दाली के जो फैमिली थी, अपने पिता को तो बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, जैसा कि मैंने बताया कि जो पर्शियन आर्मी थी उसने इनके पिताजी को जेल में बहुत टाइम तक रखा। फिर इनके भाई, जो इनका भाई था जुल्फिकार ठीक है, अहमद खान का, अहमद शाह अब्दाली का जो भाई था जुल्फिकार, उसको भी काफी टाइम तक जेल में रखा। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1738 में जब कांधार को कंकर किया, कांधार को जीता, तब यहां पे अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की नजर में आया। हम ये देखते हैं तो नादिर शाह की नजर में आया तो सबसे पहले तो नादिर शाह ने इसके कैलिबर को, इसकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त थी अहमद शाह अब्दाली की, और इतना गजब का ये फाइटर था, वॉरियर था, कि नादिर शाह ने पहचान लिया कि ये बहुत आगे जाने वाला है। और बहुत सारे उस समय जितने भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने तो ये सीधा भविष्यवाणी कर दी थी। यहाँ तक कि भारत में भी जब 1739 में इन्वेजन हुआ था तो यहाँ पे भी निजामुल मुल्क ने बोल दिया था कि ये आगे जाकर राजा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली को लेके बहुत पहले से ही ये कयास लगने लगे थे कि आगे जो शाह बनेगा ये यही बनेगा चाहे जो भी हो जाए। तो ये चीज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब नादिर शाह की नजर में आया तो नादिर शाह ने पूछा कि भैया तुम तो बड़े अच्छे वॉरियर हो, क्या है, क्या करते हो, सारी चीजें की। तो बताया कि मेरे भाई जो है वो उस समय जेल में बंद है, आप कुछ करिए। तो जो नादिर शाह है तो जुल्फिकार को सबसे पहले छुड़ाया, इनकी फैमिली को एक रिस्पेक्टेड पोजिशन दी। उसके बाद जो नादिर शाह के पर्सनल अटेंडेंट थे, जो बॉडी गार्ड होते ना जिनको यसवाल बोला जाता था, वहां पे अहमद शाह अब्दाली को रखा गया ठीक है। और अब्दाली बेसिकली ट्राइब्स है ठीक है ना, अब्दाली ट्राइब है वहां पे, तो अब्दाली रेजिमेंट में इसको रखा गया, इसीलिए उसका नाम अहमद शाह अब्दाली बहते। जैसा कि मैंने बताया कि इसका बचपन का नाम था अहमद खान, लेकिन अब्दाली रेजिमेंट में था तो वहां से फिर इसका अब्दाली या फिर दुर्रानी। तो अहमद शाह अब्दाली को अब्दाली रेजिमेंट में रखा गया और उसके बाद इसका प्रमोशन होता गया। अब 1739 में जब भारत में इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मैंने बताया है दोस्तों नादिर शाह की बायोग्राफी, उतना मैं इस इवेंट पे नहीं जाऊंगा, और अफगानिस्तान को कैसे जीता गया वो सब मैंने नादिर शाह में कवर किया है, आप देख लीजिएगा। तो जब यहाँ पे भारत में इन्वेजन हुआ तो अहमद शाह अब्दाली साथ आया था और एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके गया था कि अगर मुगल्स को हराना है, अगर भारत को जीतना है तो क्या करना है। एक चीज ये भी बोली जाती है कि अहमद शाह अब्दाली ने जो भी अटैक किए, देखिए अहमद शाह अब्दाली को रूल नहीं करना चाहता था भारत पे, जैसा कि नादिर शाह का था, अहमद शाह अब्दाली भी कोई रूल नहीं करना चाहता था। भारत अमीर था, मुगल बहुत अमीर थे, तो अहमद शाह अब्दाली चाहता था कि जितना ज्यादा हो सके लूट के चले जाए ठीक है ना। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भारत में बहुत ज्यादा थी, मुगल्स तो खाली ऐसे ही उनका नाम खाली मुगल्स आगे लगा हुआ था, बाकी वो इतने ताकतवर थे ही नहीं। औरंगजेब के बाद पूरा मुगलों का जो क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ है, जो फॉल ऑफ मुगल शुरू हुआ है, उसके बाद तो कभी संभल ही नहीं पाए। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी अहमद खान अब्दाली के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 1747 में जब नादिर शाह का देहांत हुआ तो भैया कौन बनेगा शाह, ये सवाल उठ खड़ा हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं कि नादिर शाह ने तो पहले ही बोल दिया था, नादिर शाह ने तो उसको बुला के बोला था कि मेरे बाद ये जो गद्दी है ये तुमको जाएगी, याद रखना। ऐसा भी बोला जाता है कि नादिर शाह ने अपना खंजर निकाल के कान के नीचे ऐसे काट दिया था, हल्का सा कट दे दिया था, एक जख्म दे दिया था अहमद खान अब्दाली को। तो जब अहमद खान ने पूछा कि जहां पर आप ये क्यों कर रहे हैं, तो यहां पे नादिर शाह ने बोला कि ये तुमको याद दिलाएगा कि तुम जब राजा बनोगे एक तो हमको याद रखोगे, दूसरा हमारे बेटे के साथ तुमको बहुत ही अच्छा सलूक करना है। तो अहमद खान अब्दाली ने ये चीज मरते दम तक निभाई। जो अहमद शाह अब्दाली के लिए एक चीज मशहूर थी कि ये डिप्लोमेट बहुत गजब का था, दूसरे इंसान को ये रिझा लेता था ठीक है, जब भी बात करता था, और जो ये बोलता था उसका पालन करता था ठीक है ना। इसीलिए जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं अगर हम देखें, वो जो बोलते हैं उसको निभाते हैं ठीक है, अपना वादा इतनी जल्दी तोड़ते नहीं है। तो एक डिप्लोमेट बहुत अच्छा था। तो भैया अब यहाँ पे होता है देहांत, देहांत हो गया 1747 में दोस्तों, यहाँ के जो नादिर शाह के ही बॉडीगार्ड्स ने मार दिया था ठीक है, नादिर शाह के ही बॉडीगार्ड्स ने नादिर शाह को मार दिया। अब जब नादिर शाह के बॉडीगार्ड्स ने मारा तो बहुत ज्यादा लॉयल था अहमद खान अब्दाली
नादिर शाह के प्रति, जब इसको पता चला कि ऐसा हुआ है, अब इनके जो जो बॉडीगार्ड्स थे, जो डिप्लोमेट्स जो नादिर शाह के खिलाफ थे, उन्होंने क्या र्यूमर फैलाई कि इनकी एक बीवी ने मार दिया है, क्योंकि अगर ये बात फैल जाती कि इनके बॉडीगार्ड्स ने ही नादिर शाह को मार दिया तो फिर कत्लेआम हो जाता। तो यहां पर यह पूरी र्यूमर फैलाई गई कि नादिर शाह की एक बीवी ने नादिर शाह को खत्म कर दिया, और उसके बाद 1747 में नादिर शाह का रूल जो है वो फाइनली खत्म होता है। लेकिन अब अगला कौन बनेगा? अब ये तो पर्शिया का था, देखिए अफगानिस्तान में बहुत सारी ट्राइब्स थी, नादिर शाह का नादिर शाह तो था पर्शिया का। भैया लोग बाहर के एक राजा को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ये बहुत बढ़िया एक मौका था अफगानियों के पास, अफगानी ट्राइब्स के पास, कि अब ऐसा करते हैं कि हम अपने ही तबके से एक राजा को सिलेक्ट करते हैं। तो वहां से अहमद खान अब्दाली बिल्कुल फिट बैठ गया। हालांकि ये भी जो डिसीजन था कि अहमद खान को ही राजा बनाना है, इतना आसान नहीं था। अगला शाह होगा कौन? दो लोगों में यहां पे हम देखते हैं कि एक कंपटीशन था, एक तो अहमद खान अब्दाली था और एक जमाल खान था। जमाल खान एक और बहुत बड़ी ट्राइब से ताल्लुक रखता था। लेकिन यहां पे डिसीजन हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, डिसीजन लिए गए। अब सर्वसम्मति नहीं बन पा रही थी कि अहमद शाह अब्दाली को अगला राजा बनाए या फिर जमाल खान को अगला राजा बनाए। लेकिन एक चीज तो तय थी, जो भी अगला राजा बनेगा, आने वाले सालों के लिए अफगानिस्तान का लक, अफगानिस्तान का भाग्य उसी के साथ कैद हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। जब कोई यहां पे डिसीजन नहीं, सर्वसम्मति नहीं बन पा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब शायद इस पे भी युद्ध हो जाए कि अगला राजा कौन बनेगा, तब हम देखते हैं कि साबिर शाह वली, एक बहुत ही बुजुर्ग लीडर जिसकी हर कबीला जो है, हर ट्राइब जो है अफगानिस्तान की, वो रिस्पेक्ट करता था उनकी, वो खड़े होके बोले कि अहमद खान अब्दाली को ही अपना लीडर चुनो, यही अल्लाह का डिसीजन है, इसको मानो। और उसके बाद जब ये चीज बताई, ये चीज बोली, हर कोई शांत हो गया और चीयर करने लगा। और उसके बाद 1747 में अहमद खान अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हो गया अगला शाह। इसमें दो बहुत अच्छी चीजें थी, एक तो ये कमाल का कमांडर था, दूसरी चीज ये बात थी कि ये अफगानी था, सबसे अच्छी बात ये थी। तो अफगानी तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अब जो राजा था, अब जो शाह था, वो इन्हीं के ही दल से निकला था, ये अफगानी थे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमको किसी बाहर के इंसान का डिसीजन नहीं, उसका फैसला नहीं मानना पड़ेगा, अब हमारे खुद का ही लीडर है। तो भैया अहमद खान अब्दाली को 1747 में, फिर हम ये देखते हैं अहमद शाह खान अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हो गए। अब उसके बाद एक्सपेंशन की बात थी, सबसे पहले तो कंसोलिडेट करना था, जो ट्राइब्स है, जो कबीले हैं, वो बहुत सारे गुटों में बटे हुए थे। तो अहमद शाह तुरंत, बहुत अच्छा डिप्लोमेट था जैसा कि मैंने बताया, हर किसी को उसने बुलाया, मीटिंग कराई, जहां पे उसको लगा कि हमको इस ट्राइब पे कब्जा करना है, इनका मुंह बंद करना है, जोर जबरदस्ती से इनका मुंह बंद करना है, वहां उसने वो आजमाया। जहां पे ये लगा कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा, वहां पे उसने वो आजमाया। जो भी आजमाया दोस्तों, ये दोनों टैक्टिक्स से क्या हुआ कि सारी ट्राइब्स एक हो गई और अफगानिस्तान पूरा एक हो गया। अब यहां पे अफगान ट्राइब्स एक हो गई, अब एक तो कंसोलिडेशन हो गया, अब इसके बाद था एक्सपेंशन, कि एक्सपैंड कैसे करना, ईरान से लेकर पूरा दिल्ली तक इसकी सर, पेशावर तक इसकी सरहद जो है वो छूती थी। ये जो दुर्रानी एम्पायर था, ये 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया इसके पास था। 1772 तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई, तब तक इसने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड किया। उसके बाद जैसे ही अहमद शाह अब्दाली राजा बनता है, सबसे पहले क्या किया, बहुत सारे टाइटल्स लिए। इसमें तो जिसने अहमद शाह अब्दाली को राजा बनाया था, शाह बनाया था, साबिर शाह वली, उन्होंने सबसे पहले दुर्रे दुर्रानी, जब इसकी ताजपोशी हो रही थी, तुम तो मोतियों के मोती हो, मोतियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ मोती होता है वो हो तुम। तो भैया इसकी ताजपोशी हुई। अब यहां पे 1748 से लेकर 1764 तक इसने भारत पे 8 बार इन्वेजन किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अहमद शाह दुर्रानी का कोई, ये आई होगा, आई एम सॉरी, दुर्रान अंपायर हो गया है, ठीक है, आई होगा। तो यहां पे इसका कोई ऐसा वो नहीं था कि मतलब मंशा नहीं थी कि मैं भारत को जीत लूं, ठीक है। ये जितने की बाहर के लीडर्स हैं, ये भारत को जीतने नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि यहां पे रूल करना बहुत मुश्किल, बहुत ही टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि भारत में जब दुर्रानी एम्पायर का उदय हुआ, अरे तो मराठा एम्पायर भी तो थे ना, सबसे ताकतवर, इधर सिख एम्पायर भी था, कोई भी एम्पायर भारत आ जाता, कोई भी बाहर से इन्वेजन हो तो जाता। लेकिन ये बाबर वाला वक्त नहीं था कि जब बाबर आया और उसने जीतना शुरू कर दिया, ये 1748 का वक्त था
जब यहाँ पे मुगल्स मराठा भी एकदम पुरजोर कोशिश में थे कि पूरे भारत को जीत लिया जाए और उन्होंने जीत ही लिया था, और इधर सिख एम्पायर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तो सिख एम्पायर न्यूट्रल था, ठीक है, तो यहां पे बहुत मुश्किल था। तो इन सबका क्या रहता था कि हम सीधा दिल्ली पे कब्जा करेंगे, दिल्ली पे मुगलिया सल्तनत है, जितना माल हो सके लूट लो, जितना सामान हो सके लूट लो और उसको यहां पे लेके आओ, उससे हम अपना पूरा एम्पायर बनाएंगे। बाहर से जो सेंट्रल एशिया से इन्विजन हो रहे थे उनकी दौलत का, उनकी जो समृद्धि थी उसका कारण हिंदुस्तान था। यहां से भर भर के दौलत लेके जाते थे। नादिर शाह ने 1739 में जब यहां पे लूट खसोट मचाई थी तो मुगल एम्परर जो उस समय थे उन्होंने तो अपने सरकारी खजाने की चाबी दे दी थी कि भैया ले जाओ लूट लो, जो ले जाना है ले जाओ, कत्लेआम बंद करो। इतनी बुरी तरीके से कत्लेआम किया था दोस्तों, दिल्ली में जो नदी नहर नाले थे उसमें खून बहता था, लाशें पड़ी होती थी, बहुत बुरी हालत थी। मैंने पूरा लेक्चर किया, आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि 8 बार इन्वेजन हुआ। अब सबसे पहले तो इसने क्या किया कि अफगानिस्तान के ही जो इंपॉर्टेंट शहर थे, ठीक है, कांधार हो गया, गिलजीज को जीता, गजनी, वो सारी, काबुल को जीता, खुरासन, पूरे अफगानिस्तान को पहले इसने एक साल में जीत लिया, ठीक है, ट्राइब्स को एक कर दिया। उसके बाद अब भारत बगल में है, खाइबर पास से होके भारत में इन्वेड करेंगे हम, तो पंजाब रीजन, पेशावर सिंध को जीत गया, फिर पंजाब रीजन को भी इसने पूरा अच्छी तरीके से जीता। लेकिन पंजाब को जब भी जीतता था, जीत के वापस जाता था, वहां पे फिर विद्रोह हो जाता था। पंजाब के जो शाहनवाज थे उसने अहमद शाह अब्दाली से वादा किया था कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको पंजाब दे दूंगा, बिना लड़ाई के दे दूंगा, लेकिन वो अपने वादे से पलट गया, ठीक है, जो यहाँ का गवर्नर था। अब जब पलटे तो भैया अहमद शाह अब्दाली जो है वो आया, उसने पंजाब पे इन्वेड किया। 3 से 4 बार इन्वेजन हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, 1747 से लेकर 1753 के बीच में 3 बार इन्वेड किया टोटल पंजाब को। बार बार इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जब भी, पहले तो ये समझौता होता था कि हम आपको दे देंगे ये एरिया, हम आपको दे देंगे, लेकिन जैसे अहमद शाह अब्दाली वापस जाता था, उनके डिप्लोमेट्स वापस लौटते थे, हम नहीं देंगे, हम तुमको नहीं जानते, निकल जाओ, दोबारा कभी आना नहीं, तो वो फिर वापस आता था, दूसरी बार आता था, तीसरी बार आता था, तो ये चीज हुई। यहां तक दोस्तों बहुत फेमस स्टोरी है, 1748 में जब पंजाब पे युद्ध हुआ तो जो पूरा लाहौर को देख रहा था मीर मुनी, तो उससे जब पहली बार अहमद शाह अब्दाली लड़ा तो हार गया, यहां पे हार गया वो पहली बार, जो पहला एक्सपेडिशन तो हार गया। उसके बाद वो फिर वापस आया, मीर मुनी के साथ फिर लड़ाई की, फिर मीर मुनी को हराया। तो अगले 2 साल यही चलता रहा, कभी मीर मुनी हारे, कभी इधर अहमद शाह अब्दाली हारा, लेकिन अल्टीमेटली मीर मुनी हार गया। और जब इसको अहमद शाह अब्दाली के सामने लाया गया तो अहमद शाह अब्दाली ने से ये पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, नहीं, पहले अहमद शाह अब्दाली ने पूछा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते। तो मीर मुनी ने बोला कि मैं आपकी गर्दन काट के भिजवा देता मुगल सल्तनत को। तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, तुम क्या चाहते हो। तो मीर मुनी का जवाब था कि अगर आप एक क्रूर राजा है तो मुझे मार दीजिए, अगर आप एक अच्छे राजा, दयावान राजा, तो मुझे बख्श दीजिए। तो यहां पे अहमद शाह अब्दाली खड़ा हुआ, उसने उसको बेटा करके बुलाया और गले लगाया, और मीर मुनी इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया अहमद शाह अब्दाली से कि इतना दयावान राजा है कि मरते दम तक वो अहमद शाह अब्दाली के ही कदमों पर रहा, ठीक है ना। उसके बाद कभी भी पंजाब में हम देखते हैं विद्रोह नहीं हुआ। तो ये तो पूरा हुई पंजाब की बात, ये पूरा वेस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये अहमद शाह अब्दाली ने पूरा, हम देखते हैं कि यहां पे इसका दबदबा रहा। लेकिन जब मराठाओं की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम ये देखते हैं मराठाओं ने बैंड बजाना शुरू कर दिया था। मराठाओं ने पूरे सेंट्रल इंडिया को तो जीत लिया था, लेकिन अब नॉर्थ में भी जाना था। जैसा कि मैंने बताया मुगल्स के पास कोई खास ताकत नहीं थी। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली यहां पे भी आया था, ठीक है, दिल्ली में आ गया था। अब दिल्ली में मुगल्स का राज था, ठीक है, आपको पता ही है उस समय शाह आलमगीर थे, वो भी बहुत ही कमजोर राजा थे, कुछ उनके पास था नहीं। तो यहां पे अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, मुगल एम्परर से बोला, सॉरी मुझे नहीं, मतलब तुम्हारी बेटी मुझे चाहिए अपने बहू के तौर पे, तो जो मेरा बेटा है, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा था तैमूर, उससे शादी कराऊं अपनी बेटी की। दूसरी चीज, 2 करोड़ रुपए चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, हमको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो चाहिए, ये मुगल एम्परर से मांग कर दिया अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पे मुगल एम्परर आलमगीर ने बोला कि भैया हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, 2 करोड़ नहीं है हमारे पास, बाकी जितना भी है 14 लाख रुपए, हीरे जवाहरात, वो सब ले जाओ। तो अहमद शाह अब्दाली फिर वो लूट के चला गया और उनकी बेटी को भी लेके चला गया और अपने बेटे से शादी कर दी, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा था, तो दिल्ली तक यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का दबदबा था। लेकिन जब मराठा एम्पायर ने बोला कि अब ऐसा है,
ये हटाओ इन सबको, अहमद शाह अब्दाली बहुत ज्यादा इन्वेजन हो रहा है, अभी हम इसको बताते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पे कब्जा करो, उसके बाद ये जो वेस्टर्न रीजन है पंजाब है इस पे उठा के कब्जा करो, भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुगल्स का भी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उन्होंने भी मराठाओं से बहुत सारी ट्रीटी साइन की थी, सब कुछ समझौते बहुत ज्यादा किए थे। कुल मिला के हम देखते हैं कि 1750s में मराठा एम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था दोस्तों। और अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं हारी जाती, मतलब नहीं हारते मराठा, तो यकीन मानिए दोस्तों अंग्रेजों का राज नहीं होता, मराठाओं का राज होता। ये इस बात में कोई संदेह नहीं है। तब पूरे भारत पे मराठाओं का रूल होता, ठीक है ना। हिंद स्वराज जो महाराज शिवाजी का सपना था, हमेशा से सपना रहा था उनका, वो चीज होती। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं, अब जो है सो है। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे दोस्तों मैं इतना नहीं जाऊंगा, उसमें परसों ही एक लेक्चर आया है, परसों नरसों पे उस पर एक लेक्चर आया है, महिपाल सर ने उसको पूरा कवर किया, आप जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने, वो दोनों लेक्चर मेरी बैटल सीरीज का हिस्सा है, वो आप देखिएगा। अब आप बोलेंगे सर पानीपत ही क्यों, ये सारी मेन बैटल्स पानीपत में क्यों हुई है? दोस्तों अगर सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट होके भारत में प्रवेश करना था तो पानीपत एक रास्ता था, यही सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता था, और पानीपत का मैदान बहुत बड़ा था। इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर बैटल जो होती हैं वो यहीं पे ही हुई। पानीपत एक दरवाजा था, अगर आपको भारत के जो डीप में इंटीरियर में प्रवेश करना है तो पानीपत से होके ही आप जाएंगे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है यहाँ पे 14 जनवरी 1761। यहाँ पे क्या था कि मराठाओं का, आपने मूवी में देखा होगा द ग्रेट बिट्रेल, उसकी टैगलाइन है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं दोस्तों कि मराठाओं का साथ किसी ने नहीं दिया था। मराठा इतना टैक्स लगाते थे, एक तो जैसा कि मैंने बताया भारत बटा हुआ था, मुगल्स ने भले ही ट्रीटी साइन की थी लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं थे, सिख न्यूट्रल थे, बाकी मराठाओं के अंदर भी डिवीजन थे। वहां पे भी हम ये देखते हैं कि मराठाओं को पूरा प्रॉपर साथ नहीं मिला। अगर उनको सबका साथ मिला होता ना, सबका साथ सबका विकास, तो समझ लीजिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जीत ली जाती। लेकिन अब दोस्तों जो है सो है, जो हुआ सो हुआ, एक बहुत ही एक दुखद इंसिडेंट था दोस्तों। और इसके बाद फिर अंग्रेजों के तो पंख लग गए, उन्होंने फिर बहुत ही यहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू किया। दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिला, जो ये लड़ाई लड़ भी नहीं रहा था, ये कमाल की बात है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है दोस्तों 14 जनवरी 1761 में लड़ी जाती है। मराठा की जो फोर्सेस थी, जहां जहां अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस थी, जहां जहां उसने अपना आधिपत्य जमा था, उन सबको खदेड़ दिया था। अफगानिस्तान के बॉर्डर तक आ गई थी, पेशावर तक ये आ गई थी, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान पूरा ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान भी मराठा जीत लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पक्ष ये है कि ये भी बोला जाता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये अहमद शाह अब्दाली ने अपने डिफेंस में लड़ी, अपनी आत्मरक्षा में लड़ी, क्योंकि मराठा जो है वो अफगानिस्तान तक जाने की फिराक में थे, और अगर अफगानिस्तान चले जाते तो वहां पे दुर्रानी एम्पायर था, तो वहां पे उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसा भी बोला जाता है कि उसने सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में ये बैटल लड़ी। अब यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली अपनी पूरी फौज लेके आया। हालांकि यहाँ पे एक और, एक जो ट्रेलर है उसमें एक और गलती बताई जा रही है कि अहमद शाह अब्दाली की 1 लाख की फौज लगभग बताई जा रही है, असली में इतनी फौज नहीं थी। मराठा बहुत ताकतवर थे दोस्तों, इतनी भयानक ताकत थी मराठा के, आधे को टिक भी नहीं सकता था। और अहमद शाह अब्दाली की भी हालत खराब हो गई थी, वो इसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि वो लौट गया था कि भैया हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब दोबारा आया हालांकि, लेकिन वो लौट गया था फिर वो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमको बहुत नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 1 लाख की फौज नहीं थी इसकी, लगभग लगभग 80,000 की फौज थी, जिसमें से इसके जो अहमद शाह अब्दाली के सहयोगी ज्यादा थे, आधे से ज्यादा जो सोल्जर्स थे वो इनके सहयोगी के थे, जो रोहिलास और जो अवध का नवाब, वो भी अब्दाली का साथ दे रहा था। जैसा कि मैंने बताया डिप्लोमेट बहुत बढ़िया था, हमें एक बार ये रीजन जीत लेंगे तो तुमको भी इतना इसका हिस्सा दे देंगे, तो भैया बहुत लोग बड़ा खुश हो गए, सारे राजा भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ जो रोहिलास थे और जो अवध थे वो भी मराठाओं से ज्यादा खुश नहीं थे, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो इसीलिए इसको ग्रेट बिट्रेल भी बोला जाता है, और ये बिल्कुल सही टैगलाइन है। तो यहाँ पे मराठाओं की जो सेना थी वो 1 लाख थी, लेकिन ये 5 लाख तक पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए था, और ये बहुत बड़ी गलती भी थी मराठाओं की, कि वो 1 लाख तो वॉरियर्स थे वो लेके जा रहे थे, सदाशिव राव थे कमांडर जो थे। अब ऐसा, अब इसमें हम फिलहाल नहीं जाएंगे, इसमें भी दोस्तों ये थर्ड बैटल पानीपत में अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतने सारे एंगल्स हैं कि अगर इसने साथ नहीं दिया होता या उसने साथ दिया होता उसको भी हम फिलहाल छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सदाशिव राव भाऊ, इनके ऊपर भी बहुत सारे मत है कि इनको कमांडर नहीं होना चाहिए था, बालाजी विश्वनाथ आते और बहुत सारी चीजें हैं। खैर छोड़ियो से, तो हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सदाशिव राव जी थे, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ जो थे उन्होंने, वो पूरे कमांडर थे मराठा आर्मी के और बहुत ही बहादुर थे वो, ऐसा नहीं है,
उनके बारे में अक्सर एक परसेप्शन दिया जाता है, ऐसा नहीं है, वो बहुत, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि समय पे मदद नहीं आ पाई। और एक तो मकर संक्रांति का दिन था, जिस साइड पे लड़ रहे थे मराठा जो थे, सूरज उनकी डायरेक्ट आंखों में था, ये बहुत बड़ी एक कमी थी कि सूरज उनकी आंखों में था, इसकी वजह से उनको लड़ने में दिक्कत हो रही थी। छोटी छोटी जो बारीकियां होती ना, ये भी कभी कभी युद्ध का परिणाम, कभी कभी क्या, अक्सर युद्ध का परिणाम जो है वो डिसाइड कर देती हैं। तो उसके बाद युद्ध होता है दोस्तों, युद्ध में आपको पता ही है मराठाओं की हार हुई, मराठाओं की हार हुई। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, ये 5 लाख कैसे पहुंच गया, 1 लाख तो इनके सोल्जर्स थे, बाकी 4 लाख सिविलियंस थे, मराठा जो थे वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलते थे। एक इसका यह भी था कि जब बाजीराव और मस्तानी का जब प्रेम संबंध हुआ, तो यहां पे ऐसा भी बोला जाता था कि मराठा जो सोल्जर्स हैं उनको अपनी पूरा परिवार साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा, 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे जाएंगे, बाहर जब जाएंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग किसी बाहर की स्त्री से संबंध बना ले, उनसे शादी कर ले, तो आप पूरी फैमिली को लेके जाइए, एक रीजन ये था। दूसरा ये भी था कि भैया नॉर्थ में पहली बार मराठा जा रहे थे, ठीक है, नॉर्थ में पहली बार युद्ध हो रहा था, और वहां पे आपको पता ही है कि जो देवभूमि उत्तराखंड, उस समय उत्तराखंड तो नहीं था, या पूरा हिमालय या जितने भी पिलग्रिमेज थे वो सब नॉर्थ में थे, तो ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम वहां पे जा ही रहे हैं, सोल्जर्स भी, सेना भी हमारे साथ है, हम सुरक्षित भी हैं, तो हम वहां पे दर्शन भी कर लेंगे, सैर सपाटा भी हो जाएगा। तो ये पूरा 5 लाख तक पहुंच गई थी, जिसमें 4 लाख तो सिविलियंस थे, जैसे जैसे सेना आते गई बढ़ते गई, वैसे वैसे लोग जुड़ते गए। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ी 1761 में, जब दोपहर तक तो मराठा जीते, ठीक है, 9 बजे सुबह शुरू हुई, दोपहर तक तो मराठा जीते, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ दोस्तों कि जब सदाशिव राव हाथी पे बैठे हुए थे, सदाशिव राव के जो बेटे थे वो कहीं मैदान में नहीं दिख रहे थे, उसके बाद सदाशिव राव हाथी से उतर के जब मैदान में गए, कहीं पे भी उनको बेटे का नहीं देखा कि कहां उनका बेटे गए हैं, हालांकि वो लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब सेना ने देखा कि हाथी पे हमारा लीडर है ही नहीं, हाथी से नीचे उतर गया है, तो सेना, एक बार आपका लीडर अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाती है या रूमर फैल गई, तो समझ लीजिए सेना वही सरेंडर कर देगी। तो सेना ने फिर वहां पे, सेना अपना जो आत्मविश्वास वो वहीं पे ही हार गई। और उसके बाद फिर दोस्तों ऐसा ब्रूटल अटैक अफगानिस्तान की तरफ से हुआ था, तो कानों का ऐसा इस्तेमाल किया था कि जो हाथी थे, मराठाओं की आर्मी में हाथी थे, वो भी बौखला गए थे। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार का सामना मराठाओं को करना पड़ा। उसके बाद हजारों हजारों औरतों और बच्चों को स्लेव बना के लेके गया अहमद शाह अब्दाली। जब अहमद शाह अब्दाली वापस जा रहा था तो फिर उसके ऊपर अटैक होता, सिखों ने अटैक कर दिया था, ठीक है ना, तो वहां पे भी उसको नुकसान झेलना पड़ा था, वो भी एक अलग कहानी है, किसी और दिन हम बात करेंगे। तो दोस्तों सेंट्रल एशिया पे भी इसने अपनी आंख घुमाई, वहां पे भी इसने काफी कोशिश की कि इसको जीता जा सके, और जीता भी, लेकिन वही है दोस्तों 1772 में इसका देहांत हो गया, 16 अक्टूबर 1772 में कांधार में ही इसका देहांत हुआ था, और इसकी कब्र जो है वो वहीं पे कांधार में ही है, और अभी तो वहां पे बहुत ज्यादा ये विजिटेड प्लेस है। अब सवाल यही उठता है, क्या ये विलन था? डेफिनेटली अगर भारत के एंगल से देखे तो एक विलन था, क्योंकि भारत को तो इसने बहुत लूटा, ठीक है, और मेरी नजरों में भी ये विलन है, लेकिन अफगानिस्तान के नजरों में ये विलन नहीं, एक हीरो है। इनफैक्ट जब ये मूवी आई थी तो उसमें बहुत बोला था, ये भी बोला जा रहा था कि ये जो मूवी है इससे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अहमद शाह अब्दाली को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, भैया वो तो पोएट था, उसने तो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम किया, अफगानिस्तान में तो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, अपनी दया के लिए फेमस था, ऐसा बोला जाता है कि ये बेसिकली संत बनना चाहता था, इसका जो प्रवृत्ति थी वो संत प्रभाव का था, ये संत, जिस तरीके से संत लोग सोचते थे वही, ऐसे ही ये कविताएं लिखता था, ऐसे ही ये नज़में लिखता था, तो इस तरीके के ये सारी चीजें बोली जाती हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पानीपत में उसको एक विलन के तौर पर दिखाया गया है, तो बहुत सारे लोगों का अफगानिस्तान में ये मानना है कि ऐसा नहीं था। अब दोस्तों फिर यहाँ पे ये बोला जाता है कि भैया विलन के तौर पर हम क्यों ना दिखाएं, जब उसने इतने लोगों को मार दिया, इतने औरतों बच्चों को स्लेव बना के ले गया, कौन संत इतने लोगों को मार देता है, औरतों बच्चों को स्लेव बना के ले जाता है, ठीक है। फिर इसके अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अगर मान लीजिए वो नहीं करता तो इधर मराठा उनके ऊपर अटैक कर देते, तो सब दोस्तों डिबेट का मुद्दा है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा हारे, और उससे हमको बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि इधर अब्दाली तो चला गया, मराठाओं का यहाँ पे थोड़ा सा 10 साल लग गए आगे संभलने में उनको, ठीक है, इसके बाद से 10 साल बाद अल्टीमेटली मराठा फिर एक पावर बन गए, लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। इधर बैटल ऑफ बक्सर हो गई 1764 के बाद, ब्रिटिशर ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिया, रेस्ट इज हिस्ट्री, उसके बाद आपको सब पता है। दुर्रानी एम्पायर का क्या हुआ, जैसे अहमद शाह अब्दाली का देहांत होता है, इसका बेटा कोई इतना ताकतवर नहीं था, और जो सक्सेसर थे, ठीक है, आने वाले जो लोग थे
वो भी कोई इतने ताकतवर नहीं थे, और 1726 आते आते अंग्रेजों ने, जो भी अहमद शाह अब्दाली ने जितने भी एरिया पे जीत हासिल की थी, वो सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया था। तो ये कहानी थी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ रहे पढ़ते रहे, जिससे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।